साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल 12 तारीख को शहीद स्मारक पर अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ाने के बाबत धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसमें आप लोगों की जो उपस्थिति है वो अति आवश्यक है। साथियों, पहले आपको पता है कि अब जो है लिखित में परमिशन हमें मिल चुकी है और अब आपका संख्या बल जो है निर्धारित करेगा कि अध्यापक भर्ती में जो पदों की संख्या को बढ़ाने की आपकी मांग है वो कितनी पुरजोर तरीके से जो है आगे तक जाएगी। अगर आप लोगों ने संख्या बल वहाँ पे दिखाया, अगर आप लोगों ने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, तो मानकर चलना निश्चित तौर पर जो आपकी मांग है वो ऊपर तक जाएगी। साथ ही साथ आज की जो पूरी रूपरेखा है, भाई कुलदीप जी, भाई गोविंद जी, रिंकू जी और हमारे साथ ही जितने भी आज सावन तुट्टा और कई बहनें जो आप आज यहाँ पे पहुँची हैं, सब ने बना ली है। आज की जो टेंट वेंट लगाने का कार्य है या फिर जो भी आपके छोटे मोटे कार्य थे वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ कार्य हैं वो बाकी के कर लेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप लोगों को कल शहीद स्मारक पर अधिक से अधिक संख्या में पहुँचना है। अगर आप लोग हजारों की संख्या में वहाँ पर पहुँचते हो तो मानकर चलना आपकी मांग और आपका जो भी जो आंदोलन है उसको एक सकारात्मक रूप मिलेगा। अन्यथा अगर वहाँ पर भीड़ नहीं हुई तो आप लोग सिर्फ एक दिन का धरना देंगे, उसके बाद आप लोग हमें इस कहने के हकदार नहीं रहेंगे कि ये जो आपकी मांग थी वो अच्छे तरीके से नहीं उठी। भाई हुड्डा भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी साथी कुछ बोलिए और एक बार बोल दीजिए कुछ। देखिए साथियों, पिछले कई दिनों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, परमिशन के लिए कई बार रद्द हुई, लेकिन लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि परमिशन मिले। लेकिन अब जब परमिशन मिल गई है, आपको तारीख भी बता दी गई है, अब आपका समय है। अब अगला जो 24 घंटे वो आपके लिए निर्धारित किए गए हैं कि आप लोग घरों से निकले। अब कई साथी घरों से निकल गए हैं, कई लोग अभी शहीद स्मारक पर पहुँच भी गए हैं, लेकिन कई साथी ऐसे हैं जो इस बात पे अड़े हुए हैं कि कितने लोग पहुँचेंगे उसके बाद में आएंगे। तो साथियों, आपको बता दें कि कल जो आपकी भीड़ होगी उसी पे निर्धारित किया जाएगा कि धरना आगे देंगे या नहीं। अगर आप लोग कल नहीं पहुँचते हो तो वहीं धरना समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद में हम उस आपकी जो उसके बाद में हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे कि हमने हमारा प्रयास नहीं किया। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अब यहाँ बनती है कि आप कितने सजग तरीके से हमारे साथ में आते हो।